एक वक्त वो मुगल जो है वो मंदिरों को दान भी दे रहे हैं, मंदिरों को बनवा भी, मैं बता दे रहा हूँ अभी आपको, गुवाहाटी आसाम मुगल से कहा दान दे रहे थे मंदिरों को। हाँ हाँ, मैं रखे औरंगजेब का जो सिपे सालार था उसका नाम बता दे, सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं मान जाऊंगा कि इतिहास की नॉलेज इनको बहुत बेहतरीन है। मेन जो उसका सिपे सालार था, अब देखिए, अब आपने सुधांशु जी के मुंह में हाथ डाला, जवाब मिलेगा। मई 1669 उन्होंने कहा कि फौज भेज दी गई, पेज नंबर 84 लिखा हुआ, मसीरे आलमगीरी ट्रांसलेशन बाई जदुनाथ सरकार, पेज नंबर 81। अब आइए 2 सितंबर 1669 उसने आके कहा मंदिर ढहा दिया गया, पेज नंबर 88। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की डिबेट बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में सुधांशु जी को एक पैनलिस्ट ने उनके ज्ञान को चैलेंज कर दिया कि हिम्मत है तो जवाब देकर दिखाओ, क्या आगे क्या होता है, क्या सुधांशु जी जवाब दे पाते हैं, अगर हाँ तो कैसे, वीडियो में आगे देखते हैं। तो डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है, इसलिए अंत तक बने रहना। और हाँ, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बोला मुस्लिम पक्ष को, बोला आप एक वैलिड रीजन दीजिए और एक वैलिड कारण बताइए कि हम सर्वे पर क्यों रोक लगाए, यानी सर्वे पे नहीं, हाई कोर्ट के निर्णय पर हम क्यों रोक लगाए, उसका वैलिड रीजन दीजिए। जब ढांचे को कोई तकलीफ नहीं हो रही, बिल्डिंग को कोई तकलीफ नहीं हो रही, और मैपिंग के थ्रू इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एएसआई का सर्वे हो रहा है, जिसमें पता लग जाएगा अगर वहां मंदिर नहीं हुआ होगा तो अवशेष कैसे मिल जाएंगे, और अगर मंदिर होगा तो छुप कैसे जाएगा। देश में जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर के विवाद हो रहा था, तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी सब लोग यात्रा लेके चल रहे थे, कहते थे एक राम मंदिर का मसला दे दीजिए, उसके बाद कुछ नहीं। और फिर 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसीलिए लेकर के आया गया कि अब इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर के नाम पर कोई विवाद नहीं होगा, उसको मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। 1990 वर्शिप का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको नहीं मानेंगे, तो कोर्ट में नहीं माना वो तो। अरे नहीं कोर्ट, अरे कि आप कैसे कह सकते हैं, पार्लियामेंट के एक्ट को कोर्ट नहीं मानेगा, सर्वे करवाया बात कर रहे हैं, क्योंकि 1993 तक पूजा हो रही थी, इस वजह से पार्लियामेंट में नहीं है, कोई आधार नहीं है, ये आधार नहीं है, ये पार्लियामेंट को गलत गलत इनपुट से हमने तक शिकारी की पूजा हो रही थी, इस वजह से आप फैक्चुअली बात ये है कि 250-300 साल 350 साल के आसपास से वहां पर नमाज हो रही है। अब आप उस जमाने में लेकर के आए जिस सर में मैं बात कर रहा हूँ, राजतंत्र होता है, तो राजा जो थे अपनी सत्ता के लिए राज करते, धर्म के लिए राज नहीं करते थे। अच्छा। और दूसरी आपको बात बताऊं, अभी बड़ी बात कर रहे थे, एक वक्त मेरे ये नहीं समझ में आता, एक वक्त तो मुगल जो है वो मंदिरों को दान भी दे रहे हैं, मंदिरों को बनवा भी, मैं बता दे रहा हूँ अभी आपको, गुवाहाटी आसाम के दान दे रहे थे मंदिरों को। हाँ हाँ, मैं कोट कर रहा हूँ, गुवाहाटी के पास जो है कामाख्या मंदिर का जो मंदिर है उसमें दान दिए हुए हैं, उज्जैन के महाकाल के मंदिर में। और सुन लीजिए, चित्रकूट के अंदर, चित्रकूट के अंदर एक मंदिर है मंदाकिनी नदी के किनारे, गोपीपुरा मंदिर के अंदर भी दान दे रखे हैं और औरंगजेब के जमाने में दे रखे हैं। औरंगजेब का जो सिपे सालार था उसका नाम बता दे, सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं मान जाऊंगा कि इतिहास की नॉलेज इनको बहुत बेहतरीन है। मेन जो उसका सिपे सालार था, जनरल जनरल को पढ़ा दे, अरे बोल रहा हूँ इतना नहीं है, इतना हल्के में लेकर के बोला, ठीक है सुधांशु जी, सुधांशु जी, कमांडर का नाम आपने बोला, चार कमांडर उसके, अरे आप औरंगजेब के चार कमांडर, चीफ कमांडर का नाम बता दे, ठीक है आपने, अब देखिए अब आपने सुधांशु जी के मुंह में हाथ डाला, जवाब मिलेगा। सुधांशु जी के मुंह में कहां हाथ डाला, बोला था अब मैंने बता दिया, ये कहे कि पेज नंबर बताइए, पेज नंबर और कमांडर दोनों बता रहा हूँ, उसके दो कमांडर को 6 अप्रैल 1669 मोहम्मद साची और मुसद्दत खान, इन दोनों को कहा गया डिमोलिश होना है, जो लिखा हुआ मसीरे आलमगीरी ट्रांसलेशन बाई जदुनाथ सरकार, पेज नंबर 81। अब सुनो आगे, मई 1669 उन्होंने कहा कि फौज भेज दी गई, पेज नंबर 84। अब आइए 2 सितंबर 1669 उसने आके कहा हुक्म की तामीर हो गई, मंदिर ढहा दिया गया, पेज नंबर 88। और सुनो 1670 में कहा गया कि उन मूर्तियों को लाकर मस्जिद की सीढ़ियों पर लगा दिया जाए, पेज नंबर 95-96। आगे से ऐसे हवा में देखे, गंभीर बात किया करिए, हवा में मत बोला करिए, मैंने कोड़ा मसीरे आलमगिरी ट्रांसलेटेड बाई जदुनाथ सरकार विद पेज नंबर, अब झूठ 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 कुछ भी बोलने लगे, कमांडर का नाम नहीं बताया, हद होती है। अच्छा वो जो मैसेज आया, उन्होंने पूरी किताब बता दी, उन्होंने पूरी किताब बता दी, आज घर जाके पढ़िएगा, आज घर जाके पढ़िएगा। अरे सुन लीजिए, औरंगजेब के रशीद साहब की बारी, अनफेयर कर रहे हैं, अनफेयर है ये, अनफेयर नहीं मानेंगे, मानेंगे नहीं ना, उसके चीफ कमांडर का नाम था,
उसके चीफ कमांडर का नाम था जो पूरी फौज का निर्णय लेता था, चीफ कमांडर का नाम था जशवंत सिंह। वो तो मिर्जा जाजा सिंह थे भाई, गजब बात है। तो मिर्जा जाजा सिंह थे, वो मानेंगे नहीं। अरे एक सेकंड, जो शिवाजी को भी बुला के लाए थे, बात कर रहे हैं। जिस हिसाब से मिर्जा जाजा सिंह बैडमिंटन मैच करता है, वहां ये तरीका ठीक नहीं है। वो कड़वा कड़वा, बिल्कुल तरीका, बिल्कुल तरीका ठीक नहीं है। रशीदी साहब की बारी है। सुधांशु भाई ने ये जो पेज नंबर बताए हैं ना, इत्मीनान से बोलिए, बिल्कुल सारे टोटल गलत हैं। लेट हिम कंप्लीट प्रूव इट आप प्रूव करिए, मैं मौका दे रहा हूं आपको। अब झूठ का कोई प्रूफ होता है? आप कह दीजिए मसीरे आलमगीर में नहीं लिखा है, आप लिखिए कि मैं हलफनामा कोर्ट में देने को तैयार हूं। सबूत तो देंगे महाराज, झूठ सबूत तो देंगे, कोई पास नहीं होता, मेरे पास क्या होगा? झूठ मतलब आप कह रहे हैं किताब भी नहीं लिखी गई? वो नहीं किताब नहीं, ये जो बता रहे हैं। अरे साहब, इसीलिए तो नहीं सर्वे होने दे रहा है क्योंकि झूठ का प्रूफ नहीं होता है, सच का प्रूफ होता है। इसीलिए तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।